समानतावाद कह लो समानतावाद कह लो जेड़े समानतावादी लोग हैगे उन्होंने या मानवतावादी लोग हैगे उन्होंने 184 BC के बाद इन्होंने 1470 साल बहुत ज़्यादा मार काट करके उन्होंने विचारधारा को खत्म किया। तब तो लैके अज तक संघर्ष चल रहा है। मनुवादी अपने रूप बदलता है, उन्होंने मेन जो हथियार है वह है पाखंडवाद और अंधविश्वास, जिहड़ा गुरु रविदास जी ने मेन चोट की है। अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला के आम लोगों को तुम दिमागी गुलाम बना दो, उसके बाद जो मर्जी उन्हें तो तुम करा लो। तो ये जी मानवतावाद विचारधारा है तो ये अंदर बहुत सारे संत गुरु समाजिक महापुरुष राजनीतिक लोग भी हुए हैं जेड़े जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाती। मैं तो काशीराम जी बिल्कुल क्लोज नाल उन्होंने साथ रह के देखा। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में सुनिया है, पढ़ा है और जिन्हें लोग पूरे इंडिया ने दुनिया में मान रहे हैं तो उधर भी मैं मानना कि दुनिया के बीच अगर कोई महा सब तो वड्डा महापुरुष जिन्हों मानते हैं वो बाबा साहब अंबेडकर से। आज दी न्यूज़ है कि साउथ अफ्रीका के बीच जितों गांधी बनया सी उहदा स्टैचू उन्होंने बहुत पहला तो लगाया हुआ सी, अज उस स्टैचू ने उतारता और उहदे जगह तो बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू लगाया। क्यों? क्योंकि जरा मानवतावाद की लड़ाई जो बाबा साहब अंबेडकर काशी राम जी और बाद साढ़े गुरु साढ़े सब तो पहला तो भगवान बुद्ध हो गए, वो बाद जरा एक भगती काल कहते ना रविदास जी कबीरदास जी गुरु नानक जी, ये भगती काल नहीं सी, ये मुक्ति काल सी। ये भगती काल तो मनुवाद ने ट्विस्ट किया है ना, भगती काल का मतलब कीर्तन बजाते रहो और लेकिन असली विचार लोगों तक ना पहुँचन, एक मुक्ति काल सी। इन लोगों ने लोगों के दिमाग में चकचोर के इन्हों के अंदर मुक्त हो, तुसी गुलामी तो मुक्त हो। तो साथियों रविदास जी के जड़े मंदिर धाम गिराया गया तुकलगाबाद और हिमाचल प्रदेश और कई जगह साढ़े सम्मानित गुरुजन इतने बैठे होने संत जन बैठे तो इन्होंने ज़्यादा पता है पूरे इंडिया के बीच क्यों गिराया जा रहा है, क्योंकि रविदास जी ने सीधी सीधी चोट की सी। उन्होंने एक एक वाणी अगर लोग आम लोगों को असी दसीए गुरु रविदास जी ने दी वाणियों अगर असी अगर आम सीधे साधे भोले पाले लोगों को दसीए तो वह भी उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हालात वैसे है गए लेकिन उन्होंने समझ नहीं है। तो ये चीज़ मनुवादियों चुभ रही है। ये टाइम जड़ा है साड़ा ये बहुत क्रूशियल टाइम है। जिन्होंने आप संघर्ष किया है पूरी जिंदगी उन्होंने दोबारा तो इकट्ठा आने की जरूरत है। कोई भी जै गुरु रविदास जी इन्होंने इन्होंने धाम को ढाया है हूँ साडा फर्ज बनता है जिन्हें भी होर गुरु जिन्होंने मानवतावादी लड़ाई लड़ी है उन सब लोगों को समझा बुझा के इस मुहिम के बीच इकट्ठा करिए। मेरी कोशिश है, मैं पूरे इंडिया के बीच कोशिश कर रहा मैसेज फैलाना मैं कि इस मुहिम के बीच असं जुड़ना है। तो और मैनू पूरी उम्मीद है कि यह मुहिम संत समाज की लॉजिकल एंड पहुँचेगी और तुसी दोनों डिमांड नू पूरा कराओगे। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।